बिग बॉस 14 के घर में नए चैलेंजर्स आने के बाद से बिग बॉस का घर अखाड़े में तब्दील हो गया है। घर के नए मेंबर्स घर के चारों फाइनलिस्ट के नाक में दम कर चुके हैं। बिग बॉस 14 के घर में बीते दिन जैस्मिन भसीन और राखी सावंत के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। इस लड़ाई के दौरान जैस्मिन भसीन ने राखी सावंत की नाक पर चोट मार दी, जिसके बाद राखी सावंत अपना आपा खो बैठी। राखी सावंत को रोते देख कर जैस्मिन भसीन हंसती दिखी। इतना ही नहीं, जैस्मिन भसीन ने राखी सावंत के आंसुओं को ड्रामा तक बता दिया और उन्हें नौटंकी कहा। फैंस को जैस्मिन भसीन का यह व्यवहार जरा भी पसंद नहीं आ रहा। यही वजह है कि जैस्मिन भसीन बीती रात से ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। वहीं टीवी सितारे भी जैस्मिन भसीन से खासा खफा हैं। तभी तो टीवी के कई सितारे जैस्मिन भसीन की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी ने जैस्मिन भसीन की लताड़ लगाई। जैस्मिन भसीन के बारे में बात करते हुए काम्या पंजाबी ने लिखा कि मैं अली गौनी और अभिनव शुक्ला के बयान से सहमत हूँ। अगर कोई रो रहा है तो उसके सामने आकर हंसना अच्छी बात नहीं है। कल का एपिसोड तो राखी सावंत ले गई। वहीं टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने भी जैस्मिन भसीन की सोशल मीडिया पर क्लास लगा दी। इस मुद्दे पर बात करते हुए देवोलीना ने लिखा कि जैस्मिन भसीन पूरे तरीके से वैम्प बन चुकी है। अरे अपना रोना रोना और दूसरे का रोना सिंपैथी, खुद को सही साबित करने के लिए लोग इमोशंस को बुला देते हैं। कम से कम अभिनव शुक्ला और एली गौनी में इतनी समझ तो है। जी हाँ दोस्तों, जैस्मिन भसीन को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है और टीवी सितारों के निशाने पर आ गई हैं जैस्मिन भसीन, क्योंकि राखी सावंत को जिस तरीके से उन्हें फिजिकली टॉर्चर किया है उसके बाद बिल्कुल भी किसी को रास नहीं आ रहा जैस्मिन भसीन का राखी सावंत के रोते हुए उनके सामने आकर हंसना।